इमरान से जोर से। अच्छा इमरान भाई कहाँ रहते हो? मैं वजीरगंज में रहता हूँ। अच्छा वजीरगंज में रहते हैं आप, बताएंगे मतलब आपने जो डबल स्टेम सेल डीएलएस राइस का डबल स्टेम सेल नाइट्रो एक्सीन और ये सुपर एनर्जेक्स लिया था, ये किस पर्पज से आपने लिया था? ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था, उन्हें शुगर थी। शुगर थी और पैरों में उनके बहुत तकलीफ थी। कितनी शुगर? चलना फिरना बिल्कुल बंद था। कितने टाइम से समस्या थी ये? कम से कम ये 6 महीने से। 6 महीने से। अच्छा शुगर कितने रहती थी? शुगर तो सर उनकी 450-500 की रेंज। 450-500 की रेंज में शुगर रहती थी। अच्छा कभी कम होने का नाम नहीं लेती उन्हें, टेबलेट वगैरह सारी तीनों टाइम चलती थी टेबलेट। अच्छा जब भी कब्ज में नहीं आ रही। फिर एक बार मुंबई के डॉक्टर ने टेबलेट ली थी, वो तीनों टाइम चलती थी। अच्छा हाँ। वो तीनों टाइम तब भी कब्ज में नहीं आ रही, तब भी कंट्रोल। अब फिर अभी बुखार आने से ना बीच में इनके पैरों में दर्द लग गया, दर्द निकलने में नहीं आ रहा। ठीक है फिर क्या हुआ कि लगभग 2 महीने से बहुत परेशान थी। ठीक है चलने फिरने में। और जब हमने ये दवाई देना शुरू की थी उस टाइम तो 4-5 दिन से उठ भी नहीं पाती थी। अच्छा हाँ, दो लोग उठा के बैठा लेते जी स्टाफ से ये हालत। जी जी ऐसा तो हमने मतलब दो लोग उठा के बैठा लेते उनको हल लेते। अच्छा ये हालत हो गई। लेटरिन में जाने में बहुत परेशानी होती थी। अच्छा लेटरिन में जाने में बहुत प्रॉब्लम। हाँ बैठ के उठने में तकलीफ। 6 महीने तक उन्होंने छत नहीं देखी थी। अच्छा आज वो जीने पर चढ़ जाती हैं और छत पर आराम से रहती हैं। बेहतरीन गुड गुड गुड। अच्छा कितने टाइम से आप इसको खिलाया? कम से कम 2 महीने हो। 2 महीने खिलवाया? 2 महीने। 2 महीने में जो 450-500 शुगर रहती थी तो नॉर्मल अब नॉर्मल है। अच्छा आप 130-140 चेकअप वगैरह कब करवाया था? ये हम परसों गए थे बरेली। बरेली ठीक है। मामू हमारे गए थे साथ में। अच्छा परसों बरेली लैब के अंदर चेक कराया था जो डॉक्टर। अच्छा अच्छा हाँ जो डॉक्टर हमारा पुराना था उसने देख के पहचान जाता था। अच्छा उसने देखते ही पहचान लिया। वो ये बोले वो डायबिटीज कैसी है तुम्हारे? हाँ हाँ। तो उन्होंने चेक करा था। बोला कि अभी तो सर नॉर्मल है। हाँ। बोले कैसे मालूम? बोले पहले चेक कराओ। हाँ। और जब उसने चेक कराई तो 130 निकली। अच्छा तो उसने दवाई नहीं लिखी? अच्छा। बोले है ही नहीं। अच्छा दवाई किस चीज़ की? चलिए ठीक है हम लोग वैसे बहुत अच्छा रेट और भी जो दिक्कतें हैं उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सारी दिक्कतें सब सॉल्व हो गई। धन्यवाद। दवाई चल रही है रोगी होती चल दी हो? हाँ दवाई अभी चल रही है। ठीक है पूरा कोर्स करा लियो 6 महीने का कोर्स कराने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। वो तो सर ना थोड़े दिन